बस यार वहीं पे हो जाता था सर। हमारे आर्किटेक्ट श्री सूरी साहब और हमारे बर्थ एनिवर्सरी बीइंग ब्यूटीफुली ऑब्जर्व्ड इन जम्मू विद ऑल दिस सॉलम डिग्निटी एंड आई थिंक स्वामी जी बर्थ एनिवर्सरी दिस ईयर अज्यूम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंस बिकॉज वी हैव सीन इंडिया मूविंग इन द डायरेक्शन दैट स्वामी जी हैड एनविसाइज फॉर अस द विजन विच स्वामी जी प्लेस्ड बिफोर अस इन द लेट 19th century is now being actualized under the leadership of Prime Minister Modi. And in a single sentence, I would rather put it this way, in brief, that Prime Minister Modi has successfully translated Swamiji's vision for India on ground. And the manner in which Swamiji had visualized that India had the inherent strength and potential to conquer the world on the strength of its spiritual and intellectual prowess is now being accepted. Universally, we have proven ourselves as one of the first-line nations of the world, and today we are in a position where, instead of being led by the rest of the world, we can give leads in more ways than one. Sir, आज युवा दिवस भी मनाया जा रहा है. Startup की अगर बात करें तो किस तरह हिंदुस्तान में startup आगे बढ़ रहे हैं? आपको स्मरण होगा कि सन 2014 से पहले startup को लेकर के बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में ना चर्चा थी ना इसकी समझ थी. मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में. मुझे लगता है उस समय भी शायद बहुत ज़्यादा इसको लेकर के समझ नहीं थी, लेकिन उसके बाद मोदी जी जो बात कहते हैं वो एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लेती है. देखते ही देखते जहाँ 350-400 संख्या थी आज उसकी बढ़कर के 225,000 हो गई. स्टार्टअप इकोसिस्टम की दुनिया में आज हिंदुस्तान को तीसरे दर्जे पर माना जाता है. स्पेस में हमारे पास कोई स्टार्टअप ना था, 3-4 वर्ष पहले मात्र एक स्टार्टअप थे. मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक साहसी निर्णय लिया, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया. आज देखते ही देखते 190 से अधिक स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर, और हमारे चंद्रयान जैसे मिशन आज दुनिया को बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इंतजार करवाने पर मजबूर कर रहे हैं. इसी के साथ साथ हमारे बायोटेक्नोलॉजी एक नया क्षेत्र था जिसका बहुत अधिक ताल्लुक इस प्रदेश से भी है. हमारी अरोमा मिशन, लेवेंडर कल्टीवेशन, लेवेंडर एंटरप्रेन्योर्स, एग्री स्टार्टअप्स और जिसे बैंगनी क्रांति कहा गया उसका जन्म भद्रवाह और गुलमर्ग से हुआ. आज 3,000 से अधिक स्टार्टअप्स उस क्षेत्र में कामयाबी से काम कर रहे हैं. जहां बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 50 थी आज वो बढ़कर के 6,000 हो गई है. और बायो इकॉनमी हमारी मात्र $10 बिलियन हुआ करती थी 2014 में, 8-9 वर्षों में वो बढ़ करके 8 गुना 80 बिलियन और आज 137 बिलियन. आने वाले समय में जो अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में जो भारत की अर्थव्यवस्था में इजाफा होने वाला, जो वैल्यू एडिशन होने वाली है वो इन्हीं क्षेत्रों से होने वाली है. जो हिमालयन राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश,